2022 में तो जो है परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तित होगी, व्यवस्था परिवर्तित होगी। इससे तो योगी सरकार से तो अखिलेश ही ठीक था। सपा सरकार आनी चाहिए, पुकारी तो काम ढंग का नहीं हो रहा बिल्कुल भी। योगी सरकार आएगी दोबारा? एक गुंडा राज, एक वो सारा खो गया। हमें तो भैया योगी मोदी चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस मोदी ने तो हमारी पैंट उतार दी, हमारी कमर पे थप्पड़ पड़वा दिए, हम प्यासे मर गए, भूखे मर गए। अरे महंगाई गेहूँ खा रहा है फ्री में, तो चावल गेहूँ फ्री में खा रहा आदमी, तो महंगाई कहाँ है? पानी तो बहुत दिक्कत है, प्यासे आदमी मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, लेवल भागा जा रहा। हम मरा लेकिन रोजगार न कुछ नहीं मिल रहा, तो पेटकर मरेगा ना बालो चक लेकर के। हाँ रोजगार है रहे, जो काम मारे घूम बैठे घर में, कुछ भी ना है, रखा है, रोए कुछ नहीं करे। वो जी झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है और आप न्यूज़ नाउ इंडिया का स्पेशल शो यूपी का यज्ञ देख रहे हैं, जहां बातें होती हैं चुनावी मुद्दों की, नेता नगरी की, साथ में जनता का मूड भी जानने की कोशिश करते हैं। अरे महंगाई गेहूँ खा रहा है फ्री में, तो चावल गेहूँ फ्री में खा रहा आदमी, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो उसको कहा जाता है। तो एक घर में 10 गाड़ी है तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? है तब 10 गाड़ी है एक घर में, तो 10 गाड़ी का चाहिए पेट्रोल ना। 22 में किसका किसकी सरकार बनेगी? अरे बनेगा जो जीतेगा वही ना बनेगा। हैं उस समय बताएगा ना। हाँ अरे काम किए हैं, कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी बात है। ये सब सरकार आनी चाहिए, पुकारी तो काम ढंग का नहीं हो रहा बिल्कुल भी। क्या कमी है योगी? कमी क्या कमी, कमी है जी सारी। आंदोलन अब तक नहीं हटके, सारे किसान बैठे हुए हैं जी, आए हुए बताओ, पब्लिक परेशान है सारी। कहाँ स्मार्ट सिटी तो बन चुकी भाई, अब कौन सी स्मार्ट सिटी बनानी है ये तो बताओ। विकास तो भैया जो सरकार आती है वो विकास ही करती है। एक गुंडा राज, एक वो सारा खो गया। हमें तो भैया योगी मोदी चाहिए। योगी मोदी चाहिए? हाँ जी। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ा दी। महंगाई और बढ़ जाओ, ये कहाँ से आ रहा है इतना, वो हो रहा है बताइए, इतना संगठन और ऊपर देखिए आप, ये पैसे नहीं लगता है? ऐसा कोई जेम से नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है जी हमारी। देखिए सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार उसकी आएगी जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा। देखिए जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान समर्थन शमशान और कब्रिस्तान की बात करेगा सरकार तो उसकी नहीं आने वाली है। जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो बेसिक ज़रूरत है, जो मतलब इंसान की जो बेसिक ज़रूरत है उस पर बात करेगा सरकार उसी की आएगी। देखिए 2014 में पहली बार मोदी सरकार आती है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया जाता है और भुखमरी जो है दूर करने की बात की जाती है, गरीबी हटाने की बात की जाती है, महंगाई कम करने की बात की जाती है। बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे आपने, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते थे बहुत ही, डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की अगर हम बात करें कीमतों में, तो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है वो सस्ता हुआ है, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो है लगातार इजाफा हुआ है। लगातार डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर हम क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो वो लगातार घट रही हैं। योगी सरकार आएगी, कुछ कराया तो नहीं लेकिन आगे कुछ वो भी तो नहीं, सिचुएशन में तो नहीं है नहीं, कुछ काम गलत भी हुए हैं सरकार के विरुद्ध, गलत भी काम हुआ है बहुत, बिजनेस ठप चल रहा है, फिर भी योगी सरकार चाहिए। काम धंधे नहीं है, क्या मजबूरी है? नौकरी नहीं है लोगों के पास, क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी कोई भी नहीं, अपनी अपनी चुनने की शक्ति है लोगों की कि क्या। हाँ बदलाव जरूरी है, हर 5 साल में बदलाव चाहता है लोग। साल से मेरे नहीं राशन मिल रहा है, कार्ड बनना ले फिर भी कर तुम्हारा नामे कट गया है। महंगाई के मारे में तो महंगाई तो बहुत है ही है, अब तो आदमी जहाँ जरा कमाए वो खाता है, जो नहीं कमा रहा वो तो भूखे मरेगा, क्या करेगा। गली के बारे में बोलेंगे कितनी अच्छी गली है, ना पानी की सुविधा है, ना किसी चीज की सुविधा है, पब्लिक मच्छरों में मरी जा रही है, दुनिया कह रही है कोरोना कोरोना, सबसे बड़ा कोरोना तो यही है, है? वो आपको दिखाई दे जाएगा ना, योगी जी करवाएंगे, देख रहे हैं ना, कितनी अच्छी सिटी सेंटर बना हुआ है, हाईवे है, फ्लाई ओवर है, दुनिया हमारे लिए देख रही है, हम दुनिया को देख रहे हैं। आपको आप आए हो नहीं, आपको क्या दिख रहा है? हमें हमारी छोड़ो, पहले आप बताइए, आप तो घंटे 2 घंटे के लिए आए हैं, हमें तो सब दिन रहना है यहाँ, राशन भी नहीं मिल रहा, पर्ची काट काट कर वापस कर दे, और थोड़ा गड्ढे में और चले जाइए। हाँ थोड़ा और आगे बढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि महिलाओं को बहुत सम्मान दिए, बहुत इतनी सम्मान दिया है कि महिला सारी रोड पे आ गई है। भी नहीं मिला, क्या सुविधा मिली है, जाकर देखिए ना, आप लोग खुद देखिए कि कितना विकास। आप हमारे लंग उधर चलिए, तब हम तुम्हें स्टोरी दिखाएंगे कि कितना बड़ा कोरोना बैठा है, सबसे बड़ा आप
ना मुंह खोले ना बैठे, अभी नाक बंद कर लोगे। घेरा लगा दिया, मतलब का खत्ता बना दिया है मकान के सामने। हाँ स्मार्ट सिटी बना दी है वो देखो जाके देखो कितनी बढ़िया है। हाँ पोस्टर लगा दिया, बस कुछ नहीं हुआ है, पोस्टर के आगे आ गए और कुछ नहीं हुआ है। नहीं आप तुम उधर चलिए, मेरे संग चलिए, आप देखिए क्या हाल है मेरे घर के सामने। क्या बोले, बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, तो बोलेंगे क्या बताओ। क्यों क्या बोला उन्होंने? उन्होंने रोजगार सब खत्म कर दिया, क्या रोजगार है बताओ, कुछ भी रोजगार नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। हमारी तो गाड़ी भी छूटी, गाड़ी चलाते थे भाई साहब, 4 लाख नौकरी दे दी है और आप बोल रहे बेरोजगारी। भाई साहब हमारा तो काम ही खत्म हो गया, पहले 20 साल से रह रहे हैं खोड़ा में हम, तो जब से नहीं मिला, अब भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। पिछली सरकारों ने जो नहीं किया तो मोदी सरकार वही करे। भाई पिछली सरकारों ने अगर नहीं किया इसीलिए तो विकल्प लाए थे मोदी जी। नहीं नहीं एक बात मुझे बताइए, इसीलिए तो मोदी जी को चुना था, इसीलिए मोदी जी को चुना था क्योंकि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया था, कांग्रेस ने काम नहीं किया था, या जो है सपा बीएसपी ने काम नहीं किया था, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुना था। अब भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी ये कह रहे हैं। देखिए ये तो पूरी तरह से अंधभक्ति है। अगर मतलब देखिए अगर जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा वोट उसको देंगे। भाई लगातार जिस तरह से विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है पैसा, आपने देखा होगा सरकार कह रही है कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार के ही तो नारे थे, स्लोगन थे। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं पर अत्याचार दिन जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी के अंदर एक महिला का चीर हरण करने का काम करते हैं इनके नेता। वो आदम गोंड भी लिखते हैं ना कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो इसी तरह से रोजगार का मसला है कि सरकारी फाइलों में तो सबको रोजगार मिल गया, सबके 2 मंजिला 4 मंजिला मकान बन गए, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो धरातल पर आपको विकास नजर नहीं आएगा। 13 महीने बाद वोट देने का मौका मिलेगा, किसको दे रहे हैं? ये भाई जो काम करेगा उसी को दिया जाएगा। कौन काम करेगा? भाई जो विकास करेगा, वैसे लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। बार बार योगी जी लोग काम करवा दिए, कहाँ काम करवा दिए बताओ, आप दिखाओ मुझे काम। नौकरी? हाँ मुझे नौकरी, हमारी तो सरकारी जॉब लग रही है ना, हमारा कहाँ 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 लग रही है, देख रहे हो काम चल रहा है किसी का? भाई पकौड़ा तलिए तो पकौड़ा आप चलो वो तले, हम पकौड़ा तलने वाले ना दिख रहे हैं आप। मोदी जी कह रहे हैं महंगाई महंगाई, क्या महंगाई, महंगाई तो हो ही रही है। पेट्रोल 100 कम से कम 100 से ऊपर हो रहा है, कहाँ से गाड़ी चलाएंगे, साइकिल पर आ गए हम तो, दुकान से रोड के हैं। हाँ 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 योगी जी तो घर जाएंगे, घर जाएंगे मठ में, हाँ पूजा करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस मोदी ने तो हमारी पैंट उतार दी, हमारी कमर पे थप्पड़ पड़वा दिए, हम प्यासे मर गए, भूखे मर गए। कह रहे हैं कि बहू बेटियां सुरक्षित हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं उन्होंने किस तरह से चीरहरण किया वहाँ पर लखीमपुर खीरी के अंदर, जब ब्लॉक प्रमुख का नामांकन करने सपा की प्रत्याशी जा रही थी। तो अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। चिन्मय आनंद को देख लिया आप, कुलदीप चेंगर, देखो जी सारी जितना चेंगर को आपको पता है, कुलदीप नहीं 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 गुंडागर्दी आप कैसे कह सकते हैं? ये नहीं है, ये आप गलत कह रहे हो। देखिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार इस कोरोना काल में लगातार जो है रोजगार घटे हैं। अगर हम देखें जिस तरह से ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं, विज्ञापन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो जितना ये काम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक साल हमने जो है 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, ये बताएं कहाँ कहाँ इन्होंने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है, कहीं 4 लाख लोगों को नहीं। रोजगार तो देखो जी, रोजगार तो कई समस्याएं हैं रोजगार के हिसाब से, रोजगार कैसे यहाँ लाखों आदमी को रोजगार मिल रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के हमें तो सरकारी नौकरी तक मिली है लोगों को, हमारे सरकारी नौकरी आपको नहीं आपको कब मिली? अखिलेश सरकार में मिली है। हाँ तो अखिलेश सरकार में मिली है, लखनऊ में, लखनऊ में। भाई देखिए महंगाई आपने देखा होगा 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आना था, उससे पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आप देख रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, वहीं लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहां लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। इनका तर्क देखिए, कहेंगे कि पिछली सरकारों ने किया, तो आप पिछली सरकारों की नाकामियां गिनाने आए थे? अरे कहा है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। भाई मोदी जी से तो उम्मीद थी ना, हमारी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो महंगाई कम होगी, गरीबी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ योगी सरकार से खुश हूँ मैं,
काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, सिर्फ पानी का दिक्कत है और सीवर का दिक्कत है यहाँ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पांच काम गिनाइए जो आपको लगता है जो थोड़ा के लिए हुआ हो। हमारे लिए देखो, एक तो नाली रोड सबसे बढ़िया हुआ। नाली बन गई तब पर भी पानी निकासी नहीं है, लोग कह रहे हैं। निकासी है लेकिन निकासी कैसे होगा जब उसी में बकरा काट के डाल दोगे, भैंसा काट के डाल दोगे, तो कैसे होगा निकासी? प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे कोई हाई स्कूल या पास में कोई नहीं है सरकारी। हाँ। ना मैंने यहाँ पे तो एक डिस्पेंसरी है, एक ही डिस्पेंसरी है। हाँ। जहाँ पे टीवी का देखा जाता है और अभी वहाँ पे टीकाकरण चल रहा है। और यहाँ पर मतलब आसपास तो यहाँ पर मैंने कोई भी हॉस्पिटल नहीं देखा गवर्नमेंट का जो अच्छा खासा हॉस्पिटल हो। यहाँ पहली बात तो यह, यहाँ से हमारा दिल्ली नज़दीक पड़ता है इसलिए वहाँ पर जाता है। बारिश में कौन जिसकी जो काम करेगा वही आएगा, बारिश में जिसकी चल रही है उसी की चल रही है ना। योगी जी की तो हम नहीं चला रहे हैं। हाँ, मैं तो अखिलेश की पार्टी का हूँ।